पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह सखर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आप लोगों पे अगर ये जहन से निकाल दें कि 1% भी हमने आपकी सिफारिश की हो, आप टोटली मेरिट पे आए, आपकी अपनी एबिलिटी है, और ये भी हमने जो TOR बनाए हैं कि आपको अपने इलाके के अपने बच्चों को पढ़ाना है, सालेपट के बच्चों को सखर नहीं भेजना है, सखर के लोगों को सालेपट नहीं भेजना है। जिस यूसी के JST होंगे अगर वहाँ स्कूल हाई स्कूल है तो वहाँ वो जॉब करेगा, क्योंकि वहाँ के लोग, क्योंकि हमने एक दूसरी चीज़ भी अभी भी मैं इनको बता रहा था कि जो छोटी जॉब्स हैं उसको भी उस गांव से लिया जाए, गांव से, यूनियन काउंसिल से नहीं, क्योंकि वो जिस गांव से स्कूल का चौकीदार पट्टे वाला या इलेक्ट्रिशियन होगा वो अपने घर की तरह उस स्कूल की खिदमत करेगा। अगर दूसरे गांव से आएगा, दूसरे शुफार से आएगा तनख्वाह लेने, तो महीने में एक दिन जाकर तनख्वाह ले आऊँ, जो हैं हमारे पास अभी भी हैं, तो वो स्कूल नहीं चलते, वो गिर जाते हैं। और दूसरा मेरा जो बात है कि मेरे बच्चे इस दुनिया में जहां हम जीरो डिस्ट्रक्ट वर्ल्ड में हैं, ईंटों पे ना बैठे, कुर्सियों पे बैठे, टेबल पे बैठे। मुझे एक दिन किसी ने व्हाट्सअप किया, न्यूपुर में बच्चे बैठे हैं स्कूल में, बच्चियां ईंटों पे, जो बच्ची ईंटों पे पढ़ेगी उसका मॉरल जो एटीट्यूड होगा या मॉरल स्टैंडर्ड होगा वो ईंटों की तरह होगा। मैंने 24 घंटे के अंदर उनको 400 चेयर पहुंचवाई, और इसी पे लड़ाई चलती रही कि बच्चों को जब तक हम गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को, हम जो प्राइवेट स्कूल। वफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह इस वक्त सखर में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।